शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र, मौद्रिक नीति और विकास योजना और आर्थिक नीतियों से संबंधित विषयों पर बात की। उन्होंने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन बताया है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में महंगाई को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय काम करने का दावा किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। DAVV, IIM इंदौर और IIT इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में इंटरैक्शन विद RBI गवर्नर शशिकांत दास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य रहा कि छात्र, शिक्षाविद और नागरिकों भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मौद्रिक नीति और विकास योजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा करें। कार्यक्रम में RBI गवर्नर शशिकांत दास के अलावा मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. सचिन चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे। DAVV कुलपति डॉ. रेणु जैन, IIM इंदौर के निदेशक डॉ. हिमांशु राय, IIT इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन बन रहा है। RBI गवर्नर ने हालांकि बढ़ती खाद्य मुद्रा स्फीति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, मुद्रा स्फीति को लक्ष्य के दायरे में लाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान उन्होंने टॉप्स यानी कि टमाटर, प्याज और आलू के दाम का मुद्रा स्फीति दर पर प्रभाव का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने अर्थव्यवस्था के तीन तत्वों महंगाई, विकास और आर्थिक व्यवस्था को प्रमुख बताया। When we talk about macroeconomic stability, I would like to include in that three important components, three important aspects which I would like to highlight. One, first inflation, second growth and third financial system and financial stability. Now, so far as inflation is concerned, the latest inflation print which was released for the month of July, that was released on August 14th, the inflation number came very high, 7.4%. It has taken everybody by surprise, but we were expecting the inflation to be substantially higher, mainly because of vegetable prices due to unseasonal rains. The tomato prices went up by more than 200%, and then the impact of the increase in tomato prices spread to other vegetables. So on the whole, therefore, vegetable inflation went up, and in our CPI basket, the way the inflation, CPI headline inflation is calculated, food inflation represents 46% of the overall headline inflation basket. And within that, vegetable inflation forms a major component. The uncertain vegetables within the vegetable basket is what we call the top vegetables. Top, T for tomato, O for onions, and P for potato. If you see over the last several years, usually one of this very good vegetables which all of us enjoy, tomato, onion, and potato, from time to time one of them it misbehaves. So कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, IIM इंदौर के निदेशक डॉ. हिमांशु राय, IIT इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी ने भी संबोधित किया। इस दौरान DAVV, IIM, IIT के प्रबंध और अर्थशास्त्र के छात्र छात्राओं से RBI गवर्नर ने संवाद किया और कुछ सवाल जवाब हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।